बीतक में आती है बात। सतयुग के बीज भूत इनो बीच रहे विस्तार होवे सब में चाहे अखंड ये संसार। विचार वाणी में कभी डूबेंगे ना। तो जिस सदपुरुष देख चंद्र महामती प्राणनाथ जी की हम बात करते हैं ना, सामान्य नहीं। जैसे परमधाम के अंदर में राजी श्यामा जी को कंचन बन के सिंहासन पे बैठा करके हम पूजा पाठ उपासना करते हैं, पांचवी भो मध्य परवाली रंग मंदिर में जैसे वो अपने रंग महल में अपने मध्य परवाली रंग मंदिर में जब पलंग से उठते हैं ना और 12,000 ब्रह्मप्रिया एक साथ ही जाकर के उनसे आलिंगन करते हैं ना, जो शोभा श्रृंगार मान सम्मान भक्ति उपासना राजी श्यामा जी को परम धाम में होता है ना, वही चीज सतगुरु श्री देवीचंद जी को महामती प्राणनाथ जी महाराज को सत स्वरूप के निर्मल चेतन के अंदर में दुनिया की समस्त आत्माएं जिनको 8 प्रकार के वैश्य में अखंड किया गया है ना, किया है ना, वो सब वही करेंगे। क्यों? क्योंकि समस्त दुनिया के जीव आत्माओं के लिए मेहनत साधना भक्ति एक जन के लिए क्या है, क्या आपको जो बीतक लिख करके बता दिया गया ना, देवचंद जी महाराज जी पाम हम प्राणनाथ जी महाराज को एक जन के लिए कब कहा कि जब सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज प्रकट हुए, महामती प्राणनाथ जी महाराज प्रकट हुए तो 3 स्वरूप की बीतक लिख करके बता दिया ना। पर भागवत उस रहस्य को खोलती है, वाणी उस रहस्य को खोलते हैं कि वो एक बार नहीं जिनको आपने निष्कलंक बुद्धा अवतार माना है, देवीचंद जी प्राणनाथ जी माना है, और जन्म जन्मांतर तक इन जीव आत्माओं के लिए बहुत बड़ी साधना कसने किया, हजारों लाखों करोड़ों बार जन्म लिया है भाई, इसलिए अपने उद्धार के लिए नहीं, अपनी मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि चराचर प्राणी के लिए, जड़ और चेतन के लिए, भक्त और अभक्त के लिए, पापी और पुण्यात्मा के लिए, सबके लिए। और जब अखंड होंगे, हर एक एक जीव आत्मा को जब सच्चिदानंद स्वरूप मिलेगा, दिव्य स्वरूप मिलेगा, पल पल क्षण क्षण आनंद का रस का मस्ती जब उनको मिले, तो अभ्याकृत से लेकर के सत्स्वरूप के जीव आत्मा जाएगा, हर रोज दीदार के लिए जाएंगे, प्रणाम करने के लिए जाएंगे, उनके भक्ति करने के लिए जाएंगे, उनकी उपासना करने के लिए जाएंगे, क्योंकि सबका इष्ट देव है सतगुरु श्री देवीचंद जी और महामती प्राणनाथ जी महाराज सबके। कितनी बड़ी साधना, इसीलिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि भाई आप कैसे मुक्त हो सकते, स्वर्ग में जाने का सामर्थ्य नहीं है तो कहां से परम धाम मिलेगा, इसलिए परम धाम आपके बस में नहीं है, पर परम धाम ले जाने के लिए हम 2 आए हैं, कौन हो बे सब में जाहे अखंड ये संसार, देवीचंद जी प्राणनाथ जी सबको ले जाएंगे, वो ले जाएंगे सब, बाकी कोई नहीं जा सकता। ब्रह्मप्रियों ने क्या तपस्या की, तैयार मिला सदगुरु सुदेवचंद जी ने साधना की, महामती प्राणनाथ जी ने साधना की, वाणी को अवतरण किया और 12,000 ब्रह्मप्रियों को ऐसे ही मिल गया कि लो भंडार खाओ आनंद करो सराबोर हो जाओ मस्ती में उत्प्रोत हो जाओ, इति बैठे कर जाके धाम का आनंद उनको दिया। इसी तरह से दुनिया के जीव आत्माओं के लिए, इसीलिए प्राणनाथ जी ने कहा कि करनी कर्म कछु न हो, कहां करोगे भाई, घर में परिवार में 4-5 लोगों का मेंबर हो ना सदस्य, उनके साथ में न जाने अपने जिंदगी भर कितने बार झूठ बोलते हैं, कितने बार उनके छात में छल प्रपंच करते हैं, अपने घर के सदस्यों के साथ पति पत्नी के साथ में करते हैं,
बेटे बाप के साथ में करते हैं, माँ बेटी के साथ में करते हैं, और फिर कहेंगे ऊपर अपना यह है संभव क्या। अरे भाई उसको आप देखें तो परम धाम क्या, स्वर्ग में जाने लायक भी हम नहीं होते तो परम धाम जाने का बस हम कहाँ कर सकते, हमारे अंदर में कहाँ से पात्रता आ सकते। इसीलिए ये अनुग्रह से, अनुग्रह से, उनकी कृपा से। और मैं फिर बताऊंगा कि वो पर ब्रह्म परमात्मा किस तरह का अनुग्रह करके इस दुनिया में आए। भागवत ने लिखा बहुत मस्त है। मुझे लगा कि जिस समय में वेद व्यास जी ने कहा होगा अनुग्रह या भूता नाम मानो समदेह मास्तिता भजते तात्कृषि क्रीड़ा या सुत्वा तत्परो भवे, उस समय में अनुग्रह से पापों में परमात्मा श्रीकृष्ण का वह दिव्य रूप वेद व्यास जी को दिखा कि कैसे वो अनुग्रह करते, कैसे वो कृपा करते, जिससे अर्जुन को महाभारत के समय में कृष्ण का विराट रूप दिखा है। विराट क्या दिखा कि कृष्ण एक ऐसा रूप है जिसके अंदर में सारा संसार, चाहे वो जितने भी प्रकार का हिमालय जैसे पहाड़ हो, नदियां हो, सागर हो, अनंत जीव आत्मा सबको उन्होंने देख लिया, किसमें कृष्ण में डर गया, भयानक रूप विराट रूप इतना बड़ा। इतने भगवान विष्णु कृष्ण वेद व्यास जी महाराज जिस समय उन्होंने लिखा अनुग्रह भूतानां मानुषं देहमास्थितः कि इस बार तो इस जगत के अंदर में जिसके लिए वेद व्यास जी ने कहा कि मैं जो आपको बता रहा हूं ना कि विश्वोत्पत्ति हेतु वो परब्रह्म परमात्मा यहाँ पे विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण बन रहे हैं, तो जिस समय विश्व की उत्पत्ति के लिए व्यस्त हो रहे थे जब कृष्ण को कुछ करना होता है ना, हमारा भी जब बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई हो और बहुत ही तन्मयता के साथ व्यस्त होकर के काम करें और उस समय कोई आ जाए ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन आया, क्या बात हुई, कब चले गए, नहीं करना चाहिए व्यस्तता का। और देखने वाले देख करके दम हो जाएंगे, चक जाएंगे कि अरे इतना व्यस्त है कौन, इतने व्यस्त। इसी तरह से परब्रह्म परमात्मा को एक कार्य करते समय में, एक लीला करते समय में वेद व्यास जी ने देखा क्या काम कर रहे थे वो, तो सच्चिदानंद स्वरूप में ही बैठे नहीं थे, सच्चिदानंद स्वरूपधारी परब्रह्म परमात्मा को वेद व्यास जी ने एक काम करते हुए देखा, एक लीला करते हुए देखा, बहुत व्यस्त होकर के उस समय में सब कुछ वो भूल गए थे, क्या अक्षर भगवान को भूल गए थे, ब्रह्मप्रियाओं को भूल गए थे, श्यामा जी महारानी को भूल गए थे, परम धाम को भूल गए थे, सब कुछ भूल करके क्या कर रहे थे, तो संसार बना रहे थे। कभी देखो जरे अपने ध्यान स्कूल में छोकरा ना 10 or 12 ना एग्जाम हो ना, तेरे अपना छोकरा कितना भरवा में बीजी हो गए कि नहीं हो, बहु बीजी हो कहीं खबर न, कहीं खबर न। इसी तरह से परब्रह्म परमात्मा बैठे हैं सिंहासन पे और काम में लग गए, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने 12,000 ब्रह्म प्रियों से और श्यामा जी महारानी से कहा था, भगवान जी से कहा था कि आप चिंता न करो, आपको लगता है ना कि मैं नहीं करता हूं, मैं भी करके दिखाता हूं, कभी कभी होता है। गौ बसाने के लिए तो राजा नहीं जाता है, पर जब युद्ध करना होता है तो राजा को जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है, है? युद्ध में
पर फिर आप ये मत कहना कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो फिर अपने मोदी जी क्यों नहीं जाते हैं, राष्ट्रपति महोदय क्यों नहीं जाते हैं, ये कहोगे क्या? कहोगे जाते हैं। पहले राज शासन जब था तो सैनिक और मंत्री के साथ में राजा, इतिहास में है ना, सब कुछ जानते हैं, जाते थे नहीं जाते थे। आप ये मत कहना कि अभी तो अपने आप फौजी जाते हैं, संविधान बन चुका, संविधान परब्रह्म परमात्मा क्यों, कि वो कृष्ण राज हैं, वो कृष्ण चक्रवर्ती सम्राट हैं, वो राजा है। इसलिए राजा ने मंत्री साहब से कहा कि बहुत आपने किया और फिर आगे भी आप करते रहेंगे, एक बार मैं आप सब के लिए कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ? तो महारानी श्यामा जी से भी कहा, 12,000 ब्रह्म प्रियों से भी कहा और अक्षर ब्रह्म से भी पर ब्रह्म परमात्मा ने कहा कि हक के दिल में उपजिया, मैं दिखाऊ अपना इसका और दिखाओ, साहिबी रूहे जानत नहीं मतलब का क्या रहा। आपने बहुत किया हमारे, अब आप सबों के लिए मैं करता हूं। और इसके बाद परब्रह्म परमात्मा व्यस्त हो गए संसार बनाने में, विश्वोत्पत्यादि हित पे भागवत का यह जो परमात्मा कृष्ण के लिए विशेषण आया है ना, पूरा भागवत भरा पड़ा। इसलिए कहता हूं महात्म का पहला श्लोक और प्रथम स्कंद का पहले अध्याय का जो पहला श्लोक है ना, जन्मादश यतो ज्ञान, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस समय परमात्मा क्या करते हुए दिखता है, बेटा प्याजी जब समाधि में गए, नारद जी को मंत्र दिया था, ऐसे नहीं मिला उनको, मेजर व्याजी मां को भी बहुत कसनी हुई, बहुत दुख हुआ, तकलीफ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक तकलीफ, और मानसिक तकलीफ जब आ जाए ना, हजार बार लाख बार जो मरमर करके शरीर का तकलीफ होता है ना, शारीरिक दुख पाने के लिए, वस्त्र के लिए, रोग से ग्रसित होकर के उसमें हजारों बार का जो दुख होता है, उस दुख को आप इकट्ठा करें, जितना दुख होगा उतना एक बार मानसिक दुख का दुख होता है। एक बार इस शरीर में दुख हो एक जन्म का, बहुत सारे दुख, और उस दुख को आपने यदि हजार बार शरीर धारण करके हजार बार उस दुख को इकट्ठा करे, उसमें जितना बड़ा उसका रूप होगा उससे कहीं बढ़ करके मानसिक दुख होता है। वेदव्यास जी मानसिक दुख से व्यथित हो गए, नहीं रहा जाता, और उससे दूर करने के लिए दवा नहीं होता, दुआ। जब उनको भागवत का श्लोक मिला, मंत्र जाप कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि वेदव्यास जी महाराज आप समाधि में जाना, जाओगे तब मिलेगा, समाधि नाम स्मर तद विचेष्टितम, भगवान श्री कृष्ण की लीला को समाधि में जाकर के चिंतन करना, विचार करना, जिसे हम लोग करते हैं, आंख बंद कर लिए और आंख बंद करके मुन मिलावा का हम जब ध्यान करते हैं, तब हमें 64 स्तंभ दिखता है, 60 तकिए दिख जाते हैं, कठेरे दिख जाते हैं, गलीचा दिख जाता है, ऊपर में चंद्रमा दिख जाता है, मध्य में वहां पे हजार पंखियों से खिले हुए कमल का पुष्प दिख जाता है, उसके ऊपर में एक स्वर्ण वन का सिंहासन, 6 पाए 6 जाड़े वाले दिख जाता है। कब? जब आंख बंद करते हैं, तब उस समय चिंतन करते हैं, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे। और जब एक बार हमने चिंतन किया, दूसरी बार हमने चिंतन किया, तीसरी बार चिंतन किया, तो चिंतन करते करते एक दिन वह दिन आएगा कि जैसे आपने
पूरब की दिशा में जाकर के चिंतन किया, पांच और नीलवी का दर्शन किया और वहीं पे आप यदि खो जाते हैं, मन का चिंतन विचार आगे नहीं बढ़ता है, उस दिन समझ जाना कि सब कुछ मिल जाएगा। वेद व्याजी को मिला, खो गए। क्या देखो कि वह परब्रह्म परमात्मा जिन्होंने परम धाम में ब्रह्म प्रिया से कहा था कि मेरी हार्दिक इच्छा, क्या जिस परम धाम में रह रही हो ना उसकी महिमा को समझो, उसकी महिमा से। अरे आपके पास में डायमंड हो, हीरा आपने रखा है गठरी में बांध करके, पारस मणि आपके पास में गठरी में बंधा हो, और पारस मणि क्या काम करता है, हीरा का क्या वैल्यू है, ये यदि आपको नहीं पता हो तो रखने का कोई फायदा है क्या? कोई फायदा है? परम धाम में राज्य के कृष्ण के दिल में ये बात कि अक्षर और इस धाम में रह रहा है, श्यामा जी महाराज और 12,000 ब्रह्मपे इस धाम में रह रही है, पर इनको इनके धाम का नहीं पता। जाने ना आप अरस की साहिबियां अपार, ब्रह्मप्रिया अपने आप के स्वरूप को नहीं जान पा रही है कि हमारा वैल्यू क्या है, जिस परम धाम में रह रही है उनको नहीं पता है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि पारस मणि को पहचानो, जिस हीरे को आपने अपने पास में रखा उसका वैल्यू क्या उसको जानो, पर कौन बताएगा।